गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि एक नए प्रोस्पेक्ट को आप वेस्टिज मार्केटिंग प्लान कैसे समझाएंगे। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आज मैं आपके साथ एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रही हूँ। एक ऐसा बिजनेस जहाँ आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, कोई लॉस नहीं होगा, कोई टारगेट नहीं है, कोई सेल्स जनरेट नहीं करना और ये आप फ्री टाइम में कर सकते हैं और हज़ारों में, लाखों में, करोड़ों में कमा सकते हैं। कमाई करने के सिर्फ दो तरीके होते हैं। पहला होता है किसी के अंडर एक जॉब कर लो या तो अपना एक खुद का बिजनेस कर लो। काफ़ी लोग बिजनेस करना पसंद नहीं करते क्योंकि इन्वेस्टमेंट लगाएगा कौन। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट भी हो सकता है लेकिन लॉस भी हो सकता है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं जॉब करना। पर क्या कभी आपने ये सुना है कि जॉब करते करते एक इंसान करोड़पति बन गया? नहीं ना। करोड़पति वही इंसान बनता है जो बिजनेस करता है। बिजनेस का एक तरीका है इन्वेस्टमेंट करना या तो फ्रेंचाइज ओनर बनना। फ्रेंचाइज ओनर यानी कि आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी या ब्रांड जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, H&M एक्सेट्रा, इनका एक फ्रेंचाइज ओन करते हैं। और बिजनेस इन्वेस्टमेंट का ये फंडा होता है कि ओनर 3% काम करेगा और 97% उनके अंडर काम करने वाले उनकी टीम करेंगे। अब ऐसे बहुत लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास में उतना पैसा नहीं होता और फ्रेंचाइज उन्हीं कंपनी का लिया जाता है जिनका ऑलरेडी एक अच्छा नाम बन गया हो मार्केट में। पर एक ऐसी कंपनी भी है जहां हम बिजनेस कर सकते हैं बिना कोई पैसे लगा के, बिना कोई लॉस बेयर करें, कोई टारगेट नहीं होता कंपनी में, कुछ बेचना नहीं होता और फ्री टाइम में भी कर सकते हैं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी के लिए। हम हर महीने डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स जैसे सोप, टूथपेस्ट, चाय, कॉफ़ी, हेयर ऑयल, डिटर्जेंट, डिश वॉशिंग लिक्विड, हेल्थ सप्लीमेंट्स, कॉस्मेटिक, ये सारे सामान हम रिटेल शॉप्स या सुपरमार्केट से खरीदते हैं। तो क्या कभी किसी दुकानदार ने आपसे ये कहा कि आप हर महीने हमसे हजारों का सामान खरीदते हैं, सर हमारी तरफ से ये आपके लिए 1000 रुपये? नहीं कहा ना। वो ऐसा नहीं कर सकते। हम बस उन्हें पैसे दे के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और घर ले आते हैं। कैसा रहेगा अगर आप यही सारे डेली यूज़ के प्रोडक्ट एक कंपनी से लें, महीने की लगभग 3000 की शॉपिंग करें और आपको पलट के 30000 रुपये आने लगे, आपको पलट के 3 लाख रुपये आने लगे या 30 लाख आने लगे? आप लोगों को बहुत खुशी होगी अगर आप सिर्फ महीने के 3000 या जितना भी आपको मन कर रहा है उतने की शॉपिंग करके अगर पलट के इतने सारे पैसे अगर आने लगे तो हर इंसान को खुशी होगी। मैं एक बार रिपीट करना चाहती हूँ, आपको सिर्फ खरीदना है, बेचना नहीं है। बेचना हमारी पर्सनल विश है। अगर आपका मन है तो आप बेच सकते हैं, अगर आपका मन नहीं है तो आप सिर्फ प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये चाय, तेल, पेस्ट, ये सब खरीद के हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, कि आटा, दाल, चावल, ये सब खरीद के हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। इस चीज़ को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर पैसा जनरेट किया जा सकता है तो डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है, राइट? सबसे पहले मैं ट्रेडिशनल मार्केट की बात कर लूँ। हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कस्टमर होते हैं, रिटेलर के पास जाते हैं हमारा सारा सामान खरीदने, रिटेलर अपना सामान एक होलसेलर से खरीदता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर CNF एजेंट के पास जाता है और CNF एजेंट कंपनी के पास जाता है सारी चीज़ें खरीदने के लिए। कोई भी प्रोडक्ट अगर एक कंपनी 40 रुपये में मैन्युफैक्चर करती है तो वो हम तक आते आते 100 रुपये का बन जाता है क्योंकि बीच में इन सभी लोगों को पैसा एज अ कमीशन जाता है। हमें प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है TV, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, इन सब में एडवर्टाइज देख के। तो यानी करोड़ों का पैसा इन बीच के लोगों में खर्च कर दिया जाता है। अब आप देखिए कि हमारा ही हार्ड अर्न मनी इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन क्या कभी किसी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर होता है कंपनी से, जब तक वो हमारे पास पहुंचता है तो क्या उसकी क्वालिटी में कोई इम्प्रूवमेंट होती है? नहीं ना। तो ये बिचौलियों को पैसा क्यों दिया जाए? अब मैं आपसे बात करूंगी डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्ट वही 40 रुपये में ही मैन्युफैक्चर होता है और हमें मिलता है 100 रुपये में, बचे बीच में 60 रुपये। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर पैसा जनरेट हो सकता है तो डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है। ऐसा करोड़ों रुपए जो इन लोगों पे खर्च होता था वो हम बचाते हैं। हम एक प्रोडक्ट को सीधा कंपनी से कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं, यानी कंपनी टू कस्टमर, और यही बीच का पैसा हम लोगों को वापस मिल जाता है एक बिजनेस प्लान के द्वारा, और इसी को कहते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग। अब जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करती हूँ तो लोगों के दिमाग में एक बहुत ही नेगेटिव इमेज बन गई है।
लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी आती है, लोगों से पैसे लूट के चली जाती है, पर ऐसा है नहीं। कोई भी इंडस्ट्री खराब नहीं होती है, बस एक दो कंपनीज जो गलत काम करती है उनकी वजह से पूरी इंडस्ट्री का नाम खराब हो जाता है। बहुत लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग हर साल कम से कम 30-40% मिलियनेयर्स प्रोड्यूस करती है, यानी 30-40% जो करोड़पति बनते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से बनते हैं। ये एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है जहां हम बिना कोई पैसा लगा के बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो अब मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करती हूँ। तो इस वक्त इंडिया में कम से कम 3 लाख से भी ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें से 300 अच्छी हैं क्योंकि उन्होंने IDSA को अप्रोच किया है। IDSA मतलब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। बाकी की कंपनियां तो आई ही नहीं क्योंकि उन्हें भी पता था कि किसी ना किसी दिन उनकी कंपनी बंद होने वाली है। IDSA वर्क करती है WFDSA गाइडलाइंस पे, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, यानी वर्ल्ड वाइड नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही रिप्यूटेड इंडस्ट्री है। इन 300 में से भी सिर्फ 19 कंपनीज बेस्ट प्लेयर्स हैं जिन्हें IDSA में रजिस्ट्रेशन मिला है, बाकियों को नहीं मिल पाया फॉर वेरियस रीजंस। अब इन 19 कंपनीज में से मैं प्राउडली आप सभी के साथ वेस्टीज मार्केट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि इस समय रैंक 2 है टर्नओवर के बेसिस पे और पेआउट के भरोसे पे रैंक 1 आती है। हमारा हाईएस्ट पेआउट गया है कंपनी में 1,68,00,000 का। वेस्टीज कंपनी ने जब मार्केट में एंटर किया था तो वो 17th पोजीशन पे थी और आज हम रैंक 1 पोजीशन पे हैं और वर्ल्ड वाइड 63rd पोजीशन पे आते हैं और अगले साल तक हमारा वर्ल्ड वाइड रैंक टॉप 50 में आने वाला है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि हमें सिर्फ वेस्टीज ही क्यों करना चाहिए, बाकी के 18 कंपनीज क्यों नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो वेस्टीज का मोटो है बी योर ओन बॉस, यानी अपने मर्जी के मालिक। हम ये चाहते हैं कि हम अपने मर्जी से चीज़ें करें, किसी कंपनी या कोई हमारा एक मैनेजर ना हो जो हमें काम बताए तो हम वो करें। हम चाहते हैं कि हम अपने मर्जी के मालिक हों। और दूसरा जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि वेस्टीज एक इंडियन कंपनी है। हम फॉरेन कंपनीज को प्रमोट करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम एक इंडियन कंपनी को सपोर्ट करें। तो अब मैं आपको वेस्टीज के बारे में थोड़ा बता दूं। वेस्टीज कंपनी 2004 में शुरू हुई थी ओखला न्यू दिल्ली में। कंपनी का पहले साल का टर्नओवर था कुछ 127 करोड़ और इस साल का टर्नओवर है 1800 करोड़। कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में हैं। जब कंपनी 2004 में शुरू हुई थी तो कंपनी के पास केवल 2 प्रोडक्ट्स थे, 2 ऑफिसेस थे और 6 लोग जो कंपनी से जुड़े। लेकिन आज वेस्टीज कंपनी में 350 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, FMCG प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरीज। कंपनी के 60 से ज़्यादा ब्रांच ऑफिसेस हैं और 4,500 से ज़्यादा DLCPs। इस समय कंपनी में 1,60,00,000 से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं वेस्टीज कंपनी से। वेस्टीज कंपनी इंडिया, UAE, बहरीन, बांग्लादेश, इन सभी कंट्रीज़ में मौजूद हैं और अगले साल तक 20 और देशों में वेस्टीज शुरू होने वाला है। इस वक्त कंपनी में 500 से भी ज़्यादा ड्रीम कार अचीवर्स हैं। ड्रीम कार जैसे BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जैगवार, रेंज रोवर, ये सारी गाड़ियाँ। और 7,000 से भी ज़्यादा लोगों के पास मिड सेगमेंट कार्स हैं जैसे कि होंडा सिटी, i10, नेक्सा बलिनो, ये सभी गाड़ियाँ। कंपनी में इस वक्त 40,000 से भी ज़्यादा लोग 1,00,000 से 60,00,000 तक की इनकम कमा रहे हैं और 2,00,000 से भी ज़्यादा लोग 10,000 से लेके 1,00,000 तक की इनकम कमा रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। वेस्टीज के प्रोडक्ट्स क्यों लिए जाएं? हम प्रोडक्ट्स 2 चीज़ें देख के खरीदते हैं, पहला है क्वालिटी और दूसरा है प्राइस। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो हमारे पास हलाल सर्टिफिकेट है, ISO, GMP, FSSAI, FPO, ये सारी सर्टिफिकेशंस हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को जस्टिफाई करती हैं। उसके साथ साथ कंपनी हमें 30 डेज मनी बैक गारंटी भी देती है कि अगर आपको प्रोडक्ट्स अच्छे ना लगे तो आप थोड़ा प्रोडक्ट यूज़ करके वापस कर दीजिए तो कंपनी आपको पूरा पैसा वापस कर देगी। ये मनी बैक गारंटी इसलिए दी है क्योंकि कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे विश्वास है। प्राइस के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारे हर प्रोडक्ट पे कम से कम 10-20% तक का डिस्काउंट मिलता है MRP पे। हर प्रोडक्ट्स पे हमें PV और BV मिलता है, यानी कुछ पॉइंट वैल्यू मिलता है और कुछ बिजनेस वैल्यू मिलता है।
कंपनी हमें एक कंसिस्टेंसी ऑफर भी देती है। ये ऑफर ये है कि अगर हम 4 महीने तक लगातार 3,000 की शॉपिंग हर महीने करें तो 5वें महीने हमें 2,500 के प्रोडक्ट्स जिनका MRP 3,000 होता है वो हमें फ्री में मिलेंगे। अगर हम कंसिस्टेंसी ऑफर लेते हैं तो अगर हम कैलकुलेट करें तो हर महीने हमें हर प्रोडक्ट पे 50% तक की छूट मिल रही है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस बिजनेस में हमें करना क्या होगा। सपोज ये मैं हूँ, अगर आज मैंने कंपनी में रजिस्टर किया अपना आधार कार्ड देके, कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे, प्रोडक्ट्स अच्छे लगे तो मैं इस्तेमाल करूँगी, अच्छे नहीं लगे तो मैं कंपनी को वापस दे दूँगी, अपने पैसे वापस ले लूँगी। अब मुझे अगर प्रोडक्ट्स अच्छे लगे तो मैं अपने कुछ दोस्तों, अपने कुछ रिश्तेदारों, कलीग्स को इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊँगी और वो भी मेरे कहने पे कंपनी से कुछ शॉपिंग करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स खरीदते हैं अपने मर्जी के। अब मैं अपने टीम मेंबर्स को एजुकेट करूँगी, गाइड करूँगी, सपोर्ट करूँगी, हेल्प करूँगी ताकि वो भी अपने कुछ दोस्तों को इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं और कंपनी से जुड़ें। तो मेरे कहने पे मेरी 4 की टीम बन गई। वो 4 अपने 4 दोस्तों को जोड़ेंगे तो 16 की टीम बन गई। ये 16 अपने 64 बनाएंगे, ये 64 अपने 256 बनाएंगे। अब मुझे मिला के मेरी सारी टीम बन गई है 341 लोगों की। ऑन एन एवरेज अगर हम सभी लोग 3,000 की शॉपिंग करते हैं इस महीने तो हमारा इस महीने का टर्नओवर हो गया 10,23,000। दुकान नहीं लगाई, मकान नहीं लगाया, मैन पावर नहीं लगाई, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उसके बावजूद मेरा महीने का टर्नओवर हुआ 10,33,000। मैं बन जाती हूँ कंपनी में डायमंड डायरेक्टर और मेरे इस महीने का पे आउट होगा 1,02,986 रुपये। बाकी जो मेरे नीचे लोग जुड़े हैं इनको इनके हिसाब से कंपनी पे कर देगी और मेरे अपलाइन जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया उनको अपने हिसाब से पैसा मिल जाएगा कंपनी से। मैं एज अ डायमंड डायरेक्टर इतना पैसा कमा सकती हूँ महीने का। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमें पे आउट कैसे मिलता है। तो हमें परफॉर्मेंस बोनस मिलता है 20%, डायरेक्टर बोनस मिलता है 14%, स्कीम फंड मिलता है 1%, LOB मिलता है 15%, ट्रैवल फंड मिलता है 3%, कार फंड मिलता है 5%, हाउस फंड मिलता है 3%। यही है वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान। कैलकुलेशन पार्ट मैंने एक और वीडियो में समझाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे मैंने आपको समझाया इसी तरह आपको भी अपने नए प्रॉस्पेक्ट को समझाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching. Wish you wealth.